वेलकम टू टेक्निकल ब्राह्मण जी। मैं आपका भाई आशीष शर्मा। क्या हाल है मेरे भाई लोग, सब लोग बढ़िया हो? आज एक कमाल की वीडियो हमारा, मतलब आफ्टर लावा, यदि मैं दो तीन फ़ोनों को सपोर्ट करता हूँ, मोटरोला, सैमसंग, सो इन लोगों को मैं सपोर्ट करता हूँ, तो आज जिस वीडियो पे जिसकी फ़ोन लॉन्च हुआ है, सैमसंग F54, गैलेक्सी F54 5G के ऊपर वीडियो है, और इसे अनबॉक्सिंग कौन कर रहे हैं? हमारे प्यारे टेक्निकल गुरुजी। तो जितने गुरुजी के फ़ैन हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दो। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे कैसे शुरू करते हैं? जब तक हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे, शुरू कैसे करेंगे? उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूरी है। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि उसके बाद हम अपना भी व्यूज देंगे। कैसा लगा आपने भी कमेंट करके जरूर बताना, इस फ़ोन के बारे आप क्या सोचते हो। अब मेरा राइट नाउ जो एक फ़ोन चल रहा है, S23 अल्ट्रा, मैं लेना चाहता हूँ, बस गरीबी, ठीक है। लेकिन अब साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन अब उतना S24 आ जाएगा, तो मैं भी शायद वो लेने की सोचूं। तो आपका कौन सा ड्रीम फोन है वो मुझे कमेंट करके जो बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। हाँ जी, चलो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, देखो हम सभी जानते हैं सैमसंग की फुल ऑन गैलेक्सी एफ सीरीज के बारे में, और यहाँ पे अभी हमारे पास में बहुत ही स्पेशल सा पैकेज आ गया है, लगता है कि सीधा गैलेक्सी से निकल गया आया है, जहां पे अंदर है सैमसंग गैलेक्सी F54 5G। और अभी हम बात कर रहे हैं रिवोल्यूशनरी कैमरा, रिवोल्यूशनरी बैटरी, रिवोल्यूशनरी डिस्प्ले और रिवोल्यूशनरी डिजाइन के बारे में। तो इसी को अनबॉक्स करते हैं। आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, देखते रहिए, और हम पता लगाते हैं कि आखिर इस बार सैमसंग ने अपने F54 5G में क्या क्या नए नए फुल ऑन फीचर्स को पैक किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। यार काफी अच्छा लगता है ना व्हेन वी गेट दिस काइंड ऑफ पैकेज, जहां पे लगता है कि हाँ भाई सुनो, काफी ऐसा स्पेशल सा पूरा माहौल साथ में लेके आ जाता है। तो अंदर हमारे पास में ओके कोर्स ट्रिपल कैमराज की हम बातें कर रहे हैं, और ये टिपिकल सैमसंग स्टाइलिंग में है। ये देखते हैं कैसे खुलता है। ओ क्वाइट यूनिक, ऐसे ये तो अच्छा मैकेनिज्म है यार। यहाँ पे नीचे हमारे पास में फिर एक कार्ड है, और कार्ड जो है इट्स कमिंग फ्रॉम टीम सैमसंग, हाईलाइटिंग यू नो फ्यू थिंग्स अबाउट द फोन। और नीचे यहाँ पे गाइज ये रखा है हमारे पास में इसका रिटेल बॉक्स इन टिपिकल सैमसंग स्टाइलिंग, और ये है सैमसंग गैलेक्सी F54 5G, जहाँ पे हमारे पास में है ये स्टारडस्ट सिल्वर कलर में। वैसे इसका एक दूसरा कलर भी है, आई विल शो यू लेटर इन द वीडियो। अगर हम इसी को ओपन कर लें और देखें कि भाई क्या जो चीजें निकलेंगी, हमारे पास में एक सिम टूल है, सम रीडिंग मटेरियल्स, USB C2C केबल, चार्जर खुद से यूज करना होगा। दिस इज वेरी स्पेशल, ऑल न्यू सैमसंग गैलेक्सी F54, लेट्स हैव अ क्लोजर लुक। देखा आपने कैसा है सैमसंग गैलेक्सी F54 5G, जहां पे ये है हमारे पास में स्टारडस्ट सिल्वर कलर। वैसे इसका एक और ऑप्शन भी है विच इज मेटेरियल ब्लू, और मेरा सवाल ये, देखो ब्लू तो ठीक है, बट अगर कभी आपका ये वाला फोन कहीं खो हो जाए, आपको अगर कंप्लेंट करवा रही हो, तो आप क्या बोलोगे डिस्क्रिप्शन में कि भैया आपका फोन कैसे रंग का था, बिकॉज यहां तो सारे ही रंग निकल के आ रहे हैं। वैसे डिजाइन जो है इट लुक्स क्वाइट यू नो गुड, और अच्छी बात यह है कि इट फॉलोज द सैमसंग डिजाइन लैंग्वेज। ये आपको जो इंडिविजुअल यहां पे कैमरा लेंसेज देखने को मिल रहे हैं, और फोन जो है वो इस ग्लॉसी फिनिश में आता है, जहां पे आपको एक ऐसा मेटालिक फील मिलता है, यू नो गिवन द काइंड ऑफ स्टफ इट पैक्स, ज्यादा भारी फील नहीं हो रहा है। बाय द वे दिस इज अंडर 200 ग्राम्स एंड बैटरी 6000 mAh की, तो यार वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आई मीन कुछ ऐसा इसका लुक मिलता है। जहां पे अगर हम बात करते हैं बटन्स एंड पोर्ट्स की, तो राइट साइड में हमारे पास में है ये पावर बटन विद इंटीग्रेटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, देन वी हैव द वॉल्यूम रॉकर, ऊपर हमारे पास में सेकेंडरी माइक्रोफोन है, लेफ्ट जो है वो लेके आता है ये एक सिम स्लॉट, उसके अलावा नीचे वी हैव नो वन मोर माइक्रोफोन, USB-C पोर्ट एंड स्पीकर ग्रिल, और पीछे अगर आप देखोगे तो अगेन यू नो विद दिस ग्लॉसी फिनिश आपको जैसा लुक मिलता है। सैमसंग की ब्रांडिंग है, ट्रिपल कैम सेटअप है। कैमरा के बारे में आगे बात करते हैं, और फोन जो है वो सामने लेके आता है सैमसंग का, आई मीन
आइकॉनिक सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले विच इज 6.7 इंचेस और हमारे पास में यहाँ पे एक फुल एचडी प्लस पैनल है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है और आई मीन यू नो कलर्स वगैरह आप जानते हैं यार सैमसंग का पैनल है तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और फिर यहाँ पे पंचोल स्टाइल में लगा है एक 32 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा। वैसे देखो डिस्प्ले में तो आपको पूरा अच्छे से मजा खैर मिलेगा ही, आई मीन यू नो आप फोन को नॉर्मल यूज करें या अपना कुछ कॉन्टेंट वगैरह देखें बिकॉज काफी आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल जाता है एंड गिवन द यू नो पावर ऑफ सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले आप अपने फेवरेट कंटेंट को अच्छे से एंजॉय करेंगे। वैसे यहां पे अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कैमरा सेटअप के बारे में ना तो हमारे पास में ये एक ट्रिपल कैम सेटअप है, जो प्राइमरी कैमरा है वो ये बीच में लगा है ये वाला है एंड ये है एक 108 मेगापिक्सल्स का कैमरा विद द पावर ऑफ OIS, तो अगेन यू नो हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी स्ट्रांग। साथ में इसके ऊपर फिर कैमरा है हमारे पास में 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड शॉट्स के लिए, तीसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, लेट्स स्किप दैट। साथ में यहां पे हमारे पास में LED फ्लैश है और एज आई टोल्ड यू बिफोर फ्रंट कैमरा है 32 मेगापिक्सल्स का। और यहां पे गाइस जो कैमरा है ये अपने साथ में काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स लेके आता है जहां पे इनफैक्ट मतलब देखो हमारे पास में जो AI की ताकत है ना वो हमको मिल जाती है यहां पे बिकॉज़ वी हैव ऑप्शन ऑफ सिंगल टेक जो कि सैमसंग के साथ में काफी इंटरेस्टिंग तरीके से काम करता है। इसके अलावा यहां पे फर्स्ट टाइम भाई सेगमेंट में हमको मिल जाता है एक फ्लैगशिप ग्रेड का एस्ट्रो लैप्स वाला ऑप्शन, मतलब यू नो आपके नाइट शॉट्स वगैरह काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बाकी अगर सैमसंग यहां पे नेटोग्राफी तो है ही बिकॉज हमारे पास में OIS है, उसके अलावा जो पिक्सल साइज है गाइस वो भी बड़ा है और साथ में जो प्रोसेसिंग वगैरह है उसकी वजह से हमको जो कंप्लीट कैमरा एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, फोटो सैंपल्स आप देख रहे हो चाहे हम रियर कैमरा की बात करें चाहे हम फ्रंट कैमरा की बात करें वो कुछ ऐसे निकल के आते हैं। और अच्छी बात यह है यार कि ये दोनों ही कैमराज से 4K में वीडियोस का आपको ऑप्शन दे देता है, तो मतलब इवन फॉर द सेल्फी कैमरा हमारे पास में 4K 30fps की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है विच इज वेरी गुड। और आई मीन कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बिकॉज सैमसंग के पास में हार्डवेयर तो ये अच्छा है ही बट द काइंड ऑफ प्रोसेसिंग पावर इट हैज हमको काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस मिल रहे हैं इन फॉर्म्स ऑफ यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ आउटपुट्स। गाइस एक चीज जो मैं आपको बोलूंगा ना मतलब ये भी एक्सपीरियंस को काफी चीज एलिवेट कर देती है विच इज द न्यू लीनियर यू नो हैप्टिक मोटर इन दिस, जहां पे जो हैप्टिक्स हैं वो काफी एनहांस्ड हैं। I mean, you'll enjoy using this phone. और जहां तक हम बात करते हैं खैर you know, और enhancements की, तो जो performance है इस phone की, हमारे पास में है Samsung की तरफ से आने वाली 5 nanometers पे based Exynos 1380 chip, जहां पे Antutu score जो है, वो आपको 500,000 के ऊपर का मिलता है। और साथ में मतलब you know, I mean, आप casually इसको use करें या हम बात करें you know, gaming वगैरह की, तो you can have it all on this phone। और मजे की बात भाई देखो Exynos 1380 है, साथ में हमारे पास में 8GB की RAM है, इसके अलावा हमारे पास में 256GB की स्टोरेज है, सब कुछ तो है बट जो पावर इसके अंदर सैमसंग ने लगाई है ना बैटरी की वो यू नो ये हमने देखा है सैमसंग के साथ में पहले भी, खैर ये फोन लेके आता है 6000mAh की बैटरी और ये आपको बहुत लंबी एंड्योरेंस देती है, 25 वॉट्स तक ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और बेसिकली आई मीन इस लीक प्रोफाइल में ना इसका वेट 199 ग्राम्स है और जो इसकी यू नो थिकनेस है वो भी ज़्यादा नहीं है और ये बन जाता है इंडियाज यू नो स्लिमेस्ट एंड लाइटेस्ट फोन विद 6000mAh बैटरी। तो कहीं ना कहीं आपको एक डिजाइन में बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के जो ये लॉन्ग यू नो यूजेज का पूरा मजा मिलने वाला है वो बहुत अच्छी चीज है इस यू नो फोन के साथ में। और एक और मजा आपको मिलेगा वो है इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी बिकॉज स्क्रीन के ऊपर जो प्रोटेक्शन है वो गोरिल्ला ग्लास 5 की है, तो वी कैन डू ऑल दिस, मतलब वी शुड नॉट डू इट बट अगर कभी गलती से फोन बात करते करते नीचे गिरे या कुछ भी तो कोई टेंशन की बात नहीं है बिकॉज इट्स कंप्लीटली कवर्ड दैट वे। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करते हैं तो मेरे को लगता है कि यार यू नो जो एनहांसमेंट्स है ना, देखो एक तो बात हो गई है स्पेक्स की, तो स्पेक्स आपको मालूम चल गई है कैमरा कैसा है डिस्प्ले कैसा है डिजाइन कैसा है परफॉर्मेंस कैसी है बैटरी वगैरह, बट जो मुझे लगता है कि यार इस फोन को सबसे अलग बनाए थे ना कुछ चीजें वो है सैमसंग के कुछ प्रोमिसेस। और प्रोमिसेस की बात अगर मैं आपसे करता हूं तो यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्योरिटी की बिकॉज आप सभी जानते हैं यार कि हमारे फोन में जो चीजें हमने रखी होती हैं मतलब यू नो कितनी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और यहां पे सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी के साथ में आपको पता है कि भाई यू नो एवरीथिंग इज प्रोटेक्टेड टू द कोर एट मैक्सिमम प्रोटेक्शन लेवल। इसके अलावा यहां पे फॉर एग्जांपल सैमसंग का जो वॉलेट है जहां पे ये डिजी लॉकर से इंटीग्रेट हो जाता है आपको एक ही जगह पे आपके पेमेंट्स डॉक्यूमेंट्स वो सब चीजें मिल जाती हैं वो भी एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा एलिवेट कर देती हैं। और इसी के साथ साथ फिर हम बात करते हैं सैमसंग के प्रॉमिस के बारे में जहां पे ये फोन अगेन सबसे आगे निकल जाता है अगर आपसे बात करता हूं बिकॉज यहां पे फिलहाल तो ये एंड्रॉइड 13 पे चल ही रहा है One UI 5.1 के साथ में बट सैमसंग इज प्रॉमिसिंग 4 OS अपडेट्स, मतलब एंड्रॉइड 13 के बाद में 14 15 16 17
चार साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और पांच साल के सिक्योरिटी अपडेट्स इस फोन में मिलने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें ना एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा एनहांस कर देती हैं। तो गाइस देखो, इन शॉर्ट अगर आपको बोलूं ना, तो जो जो चीजें सैमसंग ने प्रॉमिस करी हैं इस फोन के साथ में, जहां पे हम बात कर रहे थे ऑफ कोर्स यू नो रिवॉल्यूशनरी कैमरा की या रिवॉल्यूशनरी बैटरी या डिजाइन या डिस्प्ले की, ये सब चीजें डिलीवर करता है। और उसके साथ फिर चेरी ऑन द टॉप बन जाता है सैमसंग का कंप्लीट एक्सपीरियंस यू नो ऑफ द इकोसिस्टम या ऑफ द स्मार्ट फीचर्स जो इस फोन में सैमसंग ने यू नो इनेबल करके दिए हैं, या फिर लॉन्ग टर्म यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से यू नो अपडेट्स का या सिक्योरिटी का प्रॉमिस। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी F54 5G। और अगर गाइस हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो सैमसंग गैलेक्सी F54 की जो प्राइस है वो है 31,999 रुपीज। बट अगर हम बात करते हैं यार यहां पे बैंक ऑफर्स की, तो 2,000 रुपए का बैंक कैशबैक है, तो प्राइस जो है वो हो जाती है 29,999। और साथ में प्री बुकिंग की जो प्राइस है उसमें हमको और एक्स्ट्रा 2,000 रुपए का ऑफ मिल जाता है, तो जो नेट इफेक्टिव प्राइस है वो बन जाती है 27,999 रुपीज। और ये जो प्री बुकिंग वाला ऑफर है ये वैलिड है 20 जून तक। तो भाई दिस इज द न्यू फुल ऑन रिवोल्यूशनरी फोन फ्रॉम सैमसंग इन द मार्केट अभी। गाइज आप बताओ कि आपको ये फोन कैसा लगा, और मेरे ख्याल से यार काफी इंटरेस्टिंग पैकेज बन जाता है गिवन द काइंड ऑफ यू नो फीचर्स दैट दीज फोन्स, वैसे एक ही फोन है दो अलग अलग कलर्स में है। वैसे कलर कौन सा अच्छा लग रहा है यार? ब्लू वाला अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, मतलब एकदम ऐसे सटल लुक के लिए, या फिर ये चाहिए चमकीला एकदम ऐसा स्टारडस्ट सिल्वर? और वैसे हम बात करें स्टार डस्ट की और मेटेरियल ब्लू की, तो ये इंटरेस्टिंग बात है बिकॉज ये दोनों चीज़ें आपको गैलेक्सी में मिलती है ना, स्टार डस्ट भी और मेटेरियल्स भी, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नेमिंग स्कीम रही होगी मेरे ख्याल से इन फोन्स के पीछे। आप बताइए वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए गाइज कि आपको कैसे लगे ये फोन, वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट करना मत भूलना, और मैं आपसे मिलता हूँ सीधा अगले वीडियो में। फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम। तो ये थे हमारे टेक्निकल गुरुजी जिन्होंने सैमसंग के न्यू स्मार्टफोन F54 को अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू दोनों किया। काफ़ी अच्छा रिव्यू था और अनबॉक्सिंग भी काफ़ी अच्छी थी। अब कुछ चीज़ें जो मैं बोलना चाहूँगा, डिस्प्ले वाइज ऑसम है, नाइट कैमरा कमाल का है। एक प्रॉब्लम जो मुझे सबसे बड़ी लगी कि 6000 mAh के आप बैटरा दे रहे हो, बैटरी नहीं बैटरा है वो, फास्ट चार्जिंग 25W का, यार ये मजाक हो रहा है, नहीं लिटरली मजाक हो रहा है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, आप मतलब उसे चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा ये भी तो सोचो। ये एक चीज़ मुझे जहाँ तक लगता है सबसे बड़ी कमी है। और जो मैक सैमसंग का अपना सॉफ्टवेयर है बीच में, उसके ऊपर वो हीटिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा शो हुई थी जितने भी व्यूअर्स थे, तो इस बार सैमसंग ने फिर से किया, तो लेट्स सी होप सो कि इस बार ऐसा कोई हीटिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा और अच्छा रहेगा, क्योंकि फ़ोन 30,000 का है, मजाक की बात नहीं है, ये कोई अंडर 20,000-15,000 वाला नहीं है, 30,000 मायने रखता है काफ़ी। तो इस हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है कि सैमसंग ने कमाल का काम किया है, लुक अच्छा है, ग्लॉसी है, बट फिंगरप्रिंट्स आएंगे उसमें, तो होप सो कि सैमसंग ऐसा और आगे काम करता रहेगा। आप लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें जितने भी, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके पास सैमसंग का कौन सा फ़ोन सबसे पहले आपने यूज़ किया था, तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच आप लोग के प्यार एंड सपोर्ट के लिए। आज की वीडियो इतनी, जय हिंद, जय श्री राम।